आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जमीन का रसीद ऑनलाइन कैसे काटा जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ गूगल क्रोम ओपन करना है, यहाँ टाइप करना है लैंड रिकॉर्ड। उसके बाद एंटर पे प्रेस करेंगे तो यहाँ होम पेज ऑनलाइन मोटेशन, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ भू लगान के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से ऑनलाइन भुगतान करें इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से अपना जिला चूज कर लेंगे, आपका जो भी जिला है चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से अपना अंचल चूज करेंगे, आपका जो भी अंचल है वो चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ आगे बढ़े में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से अपना हल्का का नाम चूज करना है, आपका जो भी हल्का है। उसके बाद यहाँ से अपना मोजा का नाम चूज करना है, आपका जो भी मोजा है। यहाँ से भाग वर्तमान संख्या डालना है, यहाँ से पृष्ठ संख्या डालना है। अगर भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से इसको इस लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। उसके बाद ये सुरक्षा कोड यहाँ डालेंगे और खोजे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ कैंडिडेट का नाम आ जाएगा, उसके सामने यहाँ देखे पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पूरा यहाँ ब्यौरा निकल के आ जाएगा, इस सबको हम मिला लेंगे। जैसे कि मुझे 250 रुपए का खजाना देना है तो इसको हम यहाँ देखे मेरा यहाँ पे आया हुआ है। उसके बाद यहाँ रेमिटर का नाम डालेंगे, जो काटने आया उसका नाम डालेंगे, उसका यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे, उसका यहाँ एड्रेस डालेंगे और ये टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और ऑनलाइन भुगतान करने पे क्लिक करेंगे। टर्म्स को एक्सेप्ट करने के बाद आपका यहाँ पूरा पॉपअप खुल के आएगा, जिसमें भुगतान संख्या लिखा हुआ रहेगा, ट्रांजेक्शन आईडी लिखा हुआ रहेगा, इसको आप नोट करेंगे। उसके बाद यहाँ ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से नीचे आएंगे, यहाँ ऑनलाइन भुगतान करने पे क्लिक करेंगे। आपको इस साइट पर रिडायरेक्ट करेगा, नीचे आएंगे, यहाँ से अपना ई पेमेंट चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ से अपना स्टेट अपना बैंक चूज करेंगे, जो भी बैंक से आप पेमेंट कराना चाहते हैं। हम अपना स्टेट बैंक चूज करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से अपना SBI नेट बैंकिंग ये चूज कर लेंगे हम। उसके बाद यहाँ अपना यूजर आईडी डालेंगे, यहाँ पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे, आपको यहाँ लाके छोड़ेगा, आप नीचे आएंगे, यहाँ से कंफर्म कर देंगे। उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपका मोबाइल पे एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ डालेंगे और कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देखिए हमारा यह ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। ये 60 सेकंड के अंदर हमको ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट करेगा, अगर नहीं करता है तो हम यहाँ से क्लिक हेयर करके रिडायरेक्ट खुद से हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ आएगा, यहाँ सेंड एनीवे पे क्लिक करेंगे। यहाँ से देखें पेमेंट इज सक्सेसफुल हो गया है, यहाँ से हम लगा रसीद क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए ये मेरा रसीद डाउनलोड हो चुका है, ये रसीद हम कस्टमर को प्रिंट करके यहाँ से दे सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।